सिर्फ आपकी नीड की प्रिपरेशन है, इट इज जस्ट द पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट द लाइफ। इस बात को बहुत अच्छे समझना। आप खुश होकर प्रिपरेशन करो, सब आपके पेरेंट्स आपके डॉक्टर बनने पर खुश होंगे। मैं आपसे एक मन की बात करना चाहता हूं, वो क्या है, मैंने आपको डॉक्टर ब्रायन वाइस की स्टोरी बताई थी, आपको याद है, एक अमेरिका के बहुत ही फेमस कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में सबसे फेमस जो है वो साइकोलॉजिस्ट थे, हिप्नोथेरेपिस्ट थे, हिप्नोथेरेपी किया करते थे, और उसमें वो पास्ट लाइफ में ले जाया करते थे लोगों को, और बिल्कुल उसमें पास्ट लाइफ में ले जाके एक लाइफ, दो लाइफ, तीन लाइफ, चार लाइफ, वहां तक वो ले जाया करते थे। ठीक है, अब ये मैं आपको क्यों बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली अभी दो दिन पहले, जब दो से तीन दिन पहले, एक एम्स रायपुर के स्टूडेंट ने, सेकेंड प्रॉप के स्टूडेंट ने, मतलब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। अब उसका बैचमेट, उसके बैचमेट जो थे वो कई सारे स्टूडेंट है, उनसे मेरी बात चल रही थी, यार आखिर ऐसा क्या था। मैंने उससे पूछा कोई अफेयर था, कोई प्रॉब्लम थी, तो बोले कोई फैमिली प्रॉब्लम थी, बोले कुछ भी नहीं, पढ़ने में कमजोर था, बोले कुछ भी नहीं, तो आखिर बोले प्रॉब्लम थी कहां। तो उन्होंने, उनको जो उसकी डायरी मिली, उस डायरी में एक चीज लिखा हुआ था कि मैं कोई भी काम अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाता। ये आप समझना जरा, कौन स्टूडेंट लिख रहा है जो एम्स रायपुर में सेकंड प्रॉप में है, पढ़ाई भी अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके बावजूद उसने डिप्रेशन में सुसाइड कर लिया। ठीक है, फिर जब मेरी और बात हुई तो पता चला, मैंने कहा उसके बिहेवियर क्या था, उसका हैबिट्स क्या था, तो उसने उसने बताया वो चुप चुप रहा करता था, और सबसे बड़ी बात यह है अपने आप को हमेशा लोगों से कंपेयर किया करता था। कोई भी पर्सन, ये मुझे इससे आगे निकलना है, बस मुझे इससे आगे निकलना है, और इस कैट रेस के चक्कर में वो हमेशा डिप्रेस रहा करता था, हमेशा हमेशा डिप्रेस रहा करता था, और आखिरी में ये हुआ कि आप ये समझिए उसने सुसाइड कर लिया। अब मैं इस स्टोरी को कनेक्ट करना चाहूंगा अगेन डॉक्टर ब्रायन वाइस की पूरी स्टडी से, समझ में आ गया, क्योंकि मेरे हिसाब से साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा बड़े ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट जो यदि किसी ने किए हैं तो डॉक्टर ब्रायन वाइस ही है। और अब मैं उनके बारे में आपको बताता हूं, तो वो क्या करते थे कि पर्सन को पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके पिछले उसमें लाइफ में ले जाया करते थे कि भाई आखिर क्या रिलेशन है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिस चीज से हेट किया करते थे वही में उसी चीज में क्या हो जाता था, उसका नेक्स्ट लाइफ में बर्थ हो जाता था। अब कुछ उनको सुसाइड वाले केसेस भी मिले, कुछ केसेस उनको क्या मिले, सुसाइड वाले केसेस भी मिले। अब जैसे मान लो उन्होंने तीन लाइफ पहले किसी एक पर्सन ने सुसाइड किया था, इस बात को उस पर्सन ने क्या किया था, सुसाइड किया था। अब उसको उस समय जो भी उसका इश्यू होगा, कुछ फाइनेंशियल इश्यू, फैमिली इश्यू, या मान लो सोशल इश्यू, ठीक है, इकोनॉमिक कोई भी इश्यू हुआ हो जिसकी वजह से उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, और उस परेशानी से उस फीलिंग को अब और ज्यादा वो बियर नहीं कर पाया और उसने गिव अप कर दिया और उसने सुसाइड कर लिया। अब उससे पूछा गया सुसाइड करने के बाद क्या आपको उससे छुटकारा मिल गया। यहां से स्टोरी शुरू होती है, सबसे बड़ी स्टोरी कहां से शुरू होती है, यहां से स्टोरी शुरू होती है। तो उन लोगों ने बताया कि सुसाइड हमने जिस फीलिंग से बचने के लिए किया था, अब जैसे मान लो थर्ड लाइफ पे डेथ हो गई, उसके बाद नेक्स्ट लाइफ में बर्थ होने वाली है, इस बीच का जो गैप होता है, इस गैप में वो फंस गए कहीं पर, और जो फीलिंग, जिस फीलिंग से डर के भाग के उन्होंने सुसाइड किया था, वो फीलिंग अब कई हजार गुना बढ़ गई और बहुत लंबे टाइम तक बढ़ गई। बहुत अच्छे से इस बात को आप समझना कि जिस फीलिंग से डर के उन्होंने क्या किया, या लोग मुझे क्या बोलेंगे, तो अब वो जिस डायमेंशन में उलझ गए डेथ के बाद में, उस डायमेंशन में वो चीज उनको और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बढ़ा दी गई, इतनी एक्सट्रीम बढ़ा दी गई जब तक कि वो उसको एक्सेप्ट करने लायक ना बन जाए, तब तक वो कंडीशन को बढ़ा दी गई। और जब तक, मतलब आप ये समझो कि वो मान लो किसको दर्द था, उनको मान लो कोई छोड़ के चला गया, मतलब बोलते ना कि फियर ऑफ फेलियर था किसी को, फियर ऑफ लूजिंग समवन था किसी को, तो उसकी वजह से मान लो जो उनको डर था वहां पर उन्होंने इतने लोगों को खोया, इतना उनको लॉस हुआ, हर चीज का, रिस्पेक्ट का, फाइनेंस का, हर चीज का लॉस हुआ। तो इस बात को आप समझना, यदि कभी आपकी लाइफ में देखो पाना खोना आना जाना, दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, बात समझ में आ गया। ये एक प्लांट की छोटी सी पत्तियां हैं और पत्तियों के गिरने से पेड़ नहीं गिरा करता, एक बात हमेशा समझ लेना, पत्ती गिर रही है गिरने दो। ये जो आपकी नीड की प्रिपरेशन है, इट इज जस्ट द पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट द लाइफ। इस बात को बहुत अच्छे समझना। आप खुश होकर प्रिपरेशन करो, सब आपके पेरेंट्स आपके डॉक्टर बनने पर खुश होंगे। डॉक्टर नहीं बन पाओगे, थोड़े से दुखी होंगे, लेकिन आप यदि जिंदा रहोगे तो उसमें सबसे ज्यादा खुश रहेंगे। तो बस मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। ये मैं आपसे केवल और केवल एक ही बात बोलना चाहता हूं कि कभी भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हिम्मत हार जाओ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन
करना है, यदि आप जिंदा हो तो एक दिन आपको ऐसा मौका जरूर मिलेगा कि कुछ आप बहुत बड़ा करोगे। समझ में आ गया, बस इस बात को आप याद रखना, क्योंकि ऐसे और भी केसेस हुए, बहुत सारे केसेस हुए, इवन जो ज्यादा अचीवर होते हैं उनके साथ और ज्यादा हुए। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, 99% एक्सपेक्टेशन का 96% आगे लटक गई लड़की। ऐसा बहुत जगह पर हुआ है ना, बिल्कुल इमेजिन किया हुआ था कि उसके मार्क्स फुल आउट, फुल मार्क्स आएंगे, कम मार्क्स आएंगे, लटक गया लड़का, ठीक है, कूद गया कहीं से। तो इस बात को याद रखना, जिस फीलिंग से आप बच के वो करने वाले हो, वो फीलिंग आप ऐसे डायमेंशन में पहुंचोगे जहां वो कई लाख गुना बढ़ जाएगी। तो याद रखना, जिससे भागोगे वो और ज्यादा आपके पास आएगा। बस समझ में आ गया, तो सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया।